राइट गाइस, जिनकी नई शुरुआत नए ब्लॉग के साथ, मैं हूं आपका दोस्त मासूम खान और इस वक्त है हम दिल्ली में। हमारी फैमिली में एक नया मेहमान आया है, आप लोग को दिखाना अजीब बनता है। वो मेहमान ये रॉयल एनफील्ड हिमालयन स्क्रैम। ब्लॉग में हम लोग अभी आ रहे हैं करोड़वा, मॉडिफिकेशन करवाना है इसमें, वो आपको रास्ते में पता चलेगा इसमें क्या करवाना है। फिर हम लोग यहाँ से अब निकलते हैं। का लुक देख सकते हो आगे से, हिमालयन लुक है, बट आगे का आपको मीटर वगैरह सारा चेंज हो चुका है इसका। विंडशील्ड नहीं है, सेम हिमालयन तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब हिमालयन से बेटर है। चलाने में भी काफी बहुत ज्यादा स्मूथ, और खास करके इस मरता रॉयल एनफील्ड ने आवाज पे इनके ध्यान दिया है। इसकी आवाज काफी अच्छी लगती है, आपको आवाज सुनाई दे रही होगी धीरे धीरे कि सेम ही हिमालयन के इतना ही 411 स्पीड भी 145 भी करीब जाती है और माइलेज भी 30 भी आप इसमें देख सकते हो। पासिंग लाइट ऑलरेडी चुका है कंपनी वाले, और आज धूप कुछ ज़्यादा है। और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं करोड़बाग। करोड़बाग यहाँ से 20-22 किलोमीटर है। मॉडिफिकेशन करवाने जा रहे हैं कुछ, अगर आप स्क्रैम लेते हो तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये गाड़ी चलाने के बाद बस एक ही फील आ रहा है कि आप हिमालयन चलाओ या स्क्रैम चलाओ, बात एक ही है, बट फील अलग अलग है। नया ओवरब्रिज और इसका उद्घाटन आज हम लोग नई गाड़ी के साथ कर रहे हैं। और बस अब 14 किलोमीटर बचा हुआ है। आखिर स्क्रैम लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट, अगर आप उस चीज़ को नहीं कर रहे हो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। बेसिकली जो पुरानी वाली हिमालयन थी आप एडवेंचर बाइक है, बट ये आप नॉर्मली कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी हम लोग निजामुद्दीन पहुँच चुके हैं, तेरी कसम से कह रहे हैं, इस वक्त जो दिल्ली में अगर बाइक चला रहे हैं तो यार कमेंट करके बताना क्या हाल होती है। फाइनली हम लोग करोड़बाग पहुंच चुके हैं, बस दुकान खोजना है। ये भैया का शॉप है यहाँ पर, और यहाँ पे जी एस पाजी का लोगो लगा हुआ है। तो अभी हम लोग इस पर लेमिनेशन करवा रहे हैं, जो वाइट है इस पर स्क्रैच बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, और ये काफ़ी डल भी दिखने में लग रहा है। दो तीन जगह स्क्रैच आने की वजह से ये करवाना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर बहुत सारे लेमिनेशन किए हैं, हम लोगों ने ये चूज़ किया। ये हेलमेट रॉयल एनफील्ड वालों ने दिया था, 26 से करीब पड़ा था। इसमें एक कलाकारी दिखाने वाले हैं भैया, आप देखो ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो फाइनली गाइस गाड़ी तैयार हो चुकी है, अभी हम लोग ने क्या क्या चेक करवाया है इसमें आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले काम हम लोगों ने इसमें ये करवाया, इस गाड़ी में वाइट होने के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और दाग लग जाती थी, तो इस पर सबसे पहले हम लोगों ने इस पर लेमिनेशन करवाया। और आप पहले देख चुके होंगे इस बाइक को, और अभी देखो कितना चमक आ गया है इसमें। और ख़ास करके एक रीज़न और भी था, ये वाइट होने के कारण काफ़ी ज़्यादा गंदा होता, तो उससे भी सेफ्टी है। बाकी हेलमेट पर हम लोगों ने काम करवाया। बाकी यार हिमालयन से यार सेम ही है, बट इसका हिमालयन का 21 इंच का टायर है, बाकी इसका 19 का है। सारा चीज़ सेम है, आगे इन्होंने मॉडल बदल रखा है। बाकी आपको हर चीज़ सेम मिलेगी इस गाड़ी में, एलएस वेलेस सब चीज़ सेम है। इसका थोड़ा सा हाइट डाउन है, यहाँ से निकलते निकलते काफ़ी लेट हो चुका है। जिसे हिमालयन में हाइट की वजह से प्रॉब्लम होता था, ये हाइट काफ़ी इसके नीचे है, तो आप ले सकते हो ये गाड़ियाँ। अक्सर लोग हिमालयन में एक इशू बनाते थे कि हिमालयन बहुत ज़्यादा ऊंची है, तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कंपनी ने ये सोच कर बनाया है। इसमें खास करके बहुत सारी फीचर ऐड की गई है, जैसे आप पार्किंग को ले लो, पार्किंग के लिए हमें पहले एक स्विच लगाना पड़ता था, लेकिन इसमें पार्किंग के लिए भी आपको स्विच कंपनी के थ्रू ही मिला। बाकी यार ब्लॉग कैसा लगा बताना, लाइक करना, कमेंट करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।